अस्सलाम वालेकुम, हम कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। सो टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सम मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द टीनेजर गर्ल्स। ये सिर्फ टीनेजर गर्ल्स के लिए, इट्स फॉर योर मामा, इट्स फॉर योर ताई, चाची, पुप्पी, लाइक ऑल द वुमेंस इन द यूनिवर्स। कोई भी किसी भी एज की औरत जो है ना, ये वाला मेकअप अपने फेस पे अप्लाई कर सकती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एवरी वुमन एंड एवरी गर्ल चाहती हैं कि वो अच्छी दिखे, राइट। सो फॉर द पीपल्स जो लोग समझते हैं, लाइक जो लोग इस डर से मेकअप नहीं करते कि वो उनकी एज ओवर हो गई है, फिर लोग उनको बातें करते हैं कि देखो इनकी एज, देखो इनका मेकअप, देखो कितना ओवर है एंड यू नो ऑल दैट, उनके लिए भी ये जो ना फ़ायदा है इस मेकअप का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल लाइट एंड नेचुरल है, हर एज में इंसान को अच्छा दिखना चाहिए। हाँ राइट। सो अगर लोग आपको बातें करते हैं तो जस्ट इग्नोर, ठीक है ना, इग्नोर करिए उनको, अपने दिल की माने, जो आपका दिल करता है, जैसा दिल करता है आप वैसा मेकअप करिए, वैसा पहने, इट्स टोटली अप टू यू। यस। अच्छा जी, कम टू द मेन पॉइंट, जो लोग मेरे मेकअप से इंस्पायर्ड हैं, जिन लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगता है, एंड आई डोंट नो इंस्पायर्ड है कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ है, मुझे कहते भी हैं लोग कि आपका मेकअप अच्छा है। जो लोग तारीफ़ कर देते हैं मुझे, उनका भी पता है, जो नहीं करते उनका भी पता है। सो आई नो कुछ कुछ तो इंस्पायर्ड है ही। तारीफ भी बेटा हौसले और जिगरे से की जाती है, हर बंदा तारीफ नहीं कर सकता। सो एनीवेज हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एनीवेज ये जो आप मेरा मेकअप देख रहे हैं ना, ये मेरा रेगुलर रूटीन में यूज़ होने वाला मेकअप है। सो मैं किसी के घर जाऊँ, इफ्तार पे जाऊँ, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो मेरा, या फिर कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाना होना है शादी के अलावा, वहाँ पे मैं ये लाइट सा मेकअप कर लेती हूँ। सो उसके लिए आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब मेरी रेगुलर यूज़ होने वाली हैं। उसमें है ये मेकअप किट है, सॉरी आईब्रो किट है, ये बस मैं जब मेरा मूड हो तब कर लेती हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको इम्पॉर्टेंट हो कि आपने करना ही करना है, इट्स अप टू योर मूड, आपने करना है तो करें, नहीं तो रहने दें। ये फिर ब्लश ऑन है इसका, जो है ना वो कवर कैप जो है ना इसकी गुम गई, लेकिन ये आपका बेचारा ख़राब होने वाला है कंडीशन में, शेड नंबर 5 का मिस रोज़ का, तो अब मैं न्यू लूँगी। और उसके बाद ये हाइलाइटर है जो मैं यूज़ करती हूँ, और उसके बाद ये ब्रशेज यूज़ करती हूँ, और मैं ना लिपस्टिक यूज़ नहीं करती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ ना, आई एम लुक लाइक दो बच्चों की मामा, मुझे फ़ील होता है, लेकिन होता तो नहीं, लेकिन ये है कि मुझे फ़ील ऐसा होता है। सो मैं ये अच्छा, तो जो लिप्स पे मैं अप्लाई करती हूँ कलर, वो है ये फ्लोरमर का लिप कलर है ये, इसको आउटलाइन कहते हैं बेसिकली, ये लिपस्टिक नहीं है। सो इसका कलर और इसका पिगमेंट इतना अच्छा है ना, सेम योर लिप कलर, सेम टू सेम आपके लिप कलर के, देखिए मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है यहाँ पे, जस्ट आप लाइट सा टच दे देना, बिल्कुल फील नहीं होता कि आप लोगों ने कोई अपने फेस सॉरी लिप्स पे कोई लिपस्टिक लगाई हुई है या कोई आउटलाइन, बिल्कुल फील नहीं होता। अगर फील हो भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि लाइक जस्ट जैसे आपका लाइक नेचुरल लगना चाहिए वैसे ही लगता है। और उसके बाद जो मैं ब्रोस पे अपना यूज़ करती हूँ वो ये वॉलेट कलर है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये फिनिश भी हो रहा है। पहले मैं ये जेल के साथ अप्लाई करती थी, लेकिन आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जेल आप जो है ना यूज़ किया करें, बिकॉज जेल से यूज़ करने से ना आपका ब्रोस जैसे जैसे ऑयली हो जाते हैं, ऑयली ऑयली लगना स्टार्ट हो जाते हैं, वो तो अच्छे नहीं लगते। तो जैसा मुझे फील हुआ था मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आई डोंट नो आप लगाते हैं तो अगर आपको सूट करता है तो ज़ाहिर आपने लगाना ही है, सो इट्स अप टू यू। लेकिन यह है कि अब मैं जस्ट, और सबसे पहले ये कि आपके ब्रोस को ना आपने थोड़ा तरतीब देनी होती है, राइट, आपने उसको मैनेज करना होता है। उसके लिए आप आपके पास किसी भी ब्रांड का ना भी हो, लोकल भी हो, आप लोग एक मस्कारा लें, जब वो यूज़ हो जाए उसको फेंकने के बजाय आप लोग उसको संभाल के रख लें, राइट। फिर जब वो सूख जाता है ना आप लोगों का मस्कारा, ये देखें जैसे कि ये बिल्कुल सूख गया हुआ है, कुछ भी नहीं इसका, लाइक जस्ट लाइट लाइट ब्लैकनेस आ रही है। तो जस्ट आप अगर ये ना भी लगाएं ना, अगर आपके पास ये वाली शेड पैलेट नहीं भी है, तो आप जस्ट ये अपने ब्रोज पे अप्लाई कर लें ना, बिल्कुल लाइट सा इसे अप्लाई कर लें, तो ये भी ठीक रहता है, राइट। सो इसके साथ मैं पहले जो ब्रोज हैं उनको मैं सीधा कर लेती हूँ, राइट, लाइक जब वो गर्ल्स को पता है कि क्या उसमें लॉजिक है। सो इसके साथ मैं जस्ट उसको सीधा कर लेती हूँ, आफ्टर दैट मैं ये वाला कलर अप्लाई करती हूँ उधर, राइट। अच्छा तो ब्रोज का तो हो गया और लिपस्टिक का भी हो गया काम, ठीक है ना, इनको हम साइड पे कर देते हैं। ओ नो 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 नो, गुम नहीं होना भाई। अच्छा, नाउ आई एम गोना टीच यू हाउ टू अप्लाई बेस ऑन योर फेस, राइट। अगर आपने अपने आप को बहुत ओवर नहीं फील करवाना, तो जो मैं जिस मेथड से अपनी बेस अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे फाउंडेशन, उस तरीके से आप भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ क्रीम
फ्रेंड लवली, मेरी जो है ना ये ख़त्म हो गया हुआ था, जो बॉक्स डिब्बी होती है ना वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने ये मिनी पैक मंगवा लिया। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है ना क्रीम की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है और फाउंडेशन की क्वांटिटी बिल्कुल लेस लेनी है, राइट। ये देखिए आपके पास कोई भी बेस है ना, अगर मिस्टर रोज की बेस है वो भी चलेगी, सॉरी फाउंडेशन बेस तो ओवर हो जाती है ना, और अगर मेडोरा की फाउंडेशन है तो वो भी चलेगी। मैं ये दो यूज़ करती हूँ मस्त, मुझे ये दो अच्छी लगती है। इसके अलावा मैंने कोई भी बेस जो है ना सॉरी फाउंडेशन मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ, राइट। और बेस का भी मैं बताऊँगी कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये मैंने आपको बताया ना क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है और फाउंडेशन की क्वांटिटी जो है ना वो बिल्कुल लेस लेनी है, राइट। ये देखिए जस्ट ऐसे ऐसे आपने करके थोड़ा सा ले लेना जितना मैंने लिया, राइट, इतना ले लेना। मेरा ना ये पंप ख़राब हो गया इस फाउंडेशन का, लाइक ये नीचे चली गई है, पंप ख़राब तो नहीं हुआ लेकिन ये कि ख़त्म हो रही है ना, इसलिए वो पंप से आती है, इसलिए मुझे ओपन करके लेना पड़ती है। अगर आप लेना चाहते हैं मेडोरा की लेना चाहते हैं तो वो भी ले लेते हैं। अच्छा मैं आपको शेड नंबर बता देती हूँ, मैं ना पिंकिश फाउंडेशन यूज़ करती हूँ जिसमें पिंक ग्लो आया आपके फेस पे। वाइट का कोई भी बेनिफिट नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि आपने अपने फेस पे पता नहीं क्या, जैसे कहते हैं ना चूनाई लम, क्या कहते हैं, चूनाई लिप ले अपने फेस पे, उस तरह का कोई सीन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने ये शेड नंबर 3 थी आई थिंक इसका स्टिकर, हाँ ये रहा 3 है, शेड नंबर 3 है, और ये मिस रोज़ का आई थिंक यहाँ पे लिखा होता है इसका क्या नंबर है, ये शेड नंबर 6 है, शेड नंबर 6 मिस रोज़ की, और मेडोरा की है शेड नंबर 3, राइट। और फिर आपने इसको लिटिल लाइक थोड़ा थोड़ा ना मिक्स कर ले, अच्छा फिर आपने ना इसको ऐसे मिक्स कर लेना है अपने फेस के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह की अच्छी लगती है। आपने ना वैसे मैं फ्रेंड लवली जो है ना मैं ज़्यादा लेती हूँ, इससे भी ज़्यादा लेती हूँ ताकि सारा फेस जो है ना हमारा कवर हो जाए। अच्छा फिर आपने, मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि क्रीम आपने बिल्कुल थोड़ी लेनी, ज़्यादा लेनी है, और फाउंडेशन बिल्कुल थोड़ी लेनी है, फिर ही आपका जो है ना अच्छा फील होगा। इसको मिक्स करके फिर आपने अपने फेस पे जैसे हम क्रीम लगाते हैं सिंपल उस तरह लगा देना, कोई आपको ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ब्रश की नीड नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं है, जस्ट अपने हाथों से लगा के जिस तरह आप अपनी क्रीम अपने फेस पे लगाते हैं ना यूं करके लाइक दैट, वैसे आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है, और ट्रस्ट में इतनी अच्छी लगेगी ना कि आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है। सो एनीवेज इसको मैं साफ कर लेती हूँ, बंद कर दो। और आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि आप जो है ना मैं ये बेस सॉरी फाउंडेशन लगाने से पहले अपने फेस पे कुछ ऑयली चीज़ लगाती हूँ, तो मैं कोई भी ऑयली चीज़ अपने फेस पे नहीं लगाती उससे पहले, ना ही मेरी जो है ना मेरी स्किन कॉम्बिनेशनल है, बट आई कॉन्ट यूज़ प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, राइट। तो मैं कोई भी चीज़ नहीं लगाती, ना ही लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, लेकिन जब मैं कुछ ज़्यादा फुल मेकअप करना हो ना, जब मैंने लेंस लगाने हो ना, तब मैं कुछ और टाइप का मेकअप करती हूँ, तब मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन अभी ये मेरा रेगुलर मेकअप है इसलिए मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ। अच्छा फिर फाउंडेशन का भी हो गया, उसके बाद ब्लशन की बारी आती है। ब्लशन जो है ना मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, मिस रोज़ का शेड नंबर 5, ये मेरा इतना फेवरेट है भी और नहीं भी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना वो शाइनी चीज़ है, लेकिन मुझे शाइनी चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मुझे ज़्यादा मैट ब्लशन अच्छे लगते हैं, मैट और ऑयली टाइप के मुझे ना ज़्यादा ब्लशन अच्छे लगते हैं। तो ब्लशन तो सिंपल आपको पता है, जस्ट आपने जो है ना अपनी चिक्स पे लगाना है, चिक्स पे आपको मैं वो भी ट्रिक बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। यू जस्ट स्माइल ऑन योर फेस और अपर ऑन योर चिक्स, नॉट एनीवेयर, लेकिन यह है कि आप लोग हर जगह लगा सकते हैं, लाइक फेस पे आई लाइक ब्लशन ऑन माई नोज ऑन माई चिन एंड चिक्स, तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ना, वहाँ पे तो आपने लगाना ही लगाना किसी भी कंडीशन में, राइट। तो आप लोग नोज़ पे भी लाइट सा लगा लें, उसके बाद चिक्स पे तो लगाना ही लगाना, उसके बाद अपनी चिन पे लगा लें, अंडरस्टैंड। और अगर आपको पाउडरी ब्लशन अच्छा नहीं लगता ना, पाउडरी ब्लशन तो आपने इस ब्रश से मैं लगाती हूँ, ठीक है ना, इससे लगाना है आपने। और अगर आपको आपके पास लिक्विड ब्लशन नहीं है, अगर आपने वो बाय नहीं किया, जैसे कि मैंने आज तक लिक्विड ब्लशन बाय नहीं किया, मेरे पास कोई भी लिपस्टिक हो ना, मेरे पास एक लिपस्टिक होती है लाइट बेबी पिंक कलर की, लेकिन अभी वो बेडरूम में है, वह मैं जा नहीं रही रहने के लिए, मैं उसको जस्ट अपने हाथ पे लेती हूँ और उसके अंदर भी अपनी ये लाइट सी फाउंडेशन मिक्स करके अपनी ये फेस वो वाली फाउंडेशन में, ये वाली फाउंडेशन जो है ना मैं किसी भी लिपस्टिक में ऐड करती हूँ, पिंक या लाइट रेड टाइप के लिपस्टिक होना, उसमें ऐड करती हूँ और अपने चिक्स पे लगा लेती हूँ। तो चिक्स का तो ये था, चिक्स का हो गया, ब्लशन भी हो गया, फाउंडेशन भी हो गया, ब्रोज भी हो गई और लिपस्टिक भी हो गई। और उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती अपनी नॉर्मल लाइफ में,
जब मैंने कहीं जाना हो लाइक शादी या किसी गेट टुगेदर में वैसे यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मैंने कहीं पास ही लाइक क्या करूँ मैं बताऊँ, इतना हाइलाइटर मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन यह है कि जब मेरा कहीं मेरे फेवरेट प्लेस पे जाना हो तब तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। हाइलाइटर ब्रश मेरा वो भी अंदर है, मैं आधी चीज़ें लाना तो भूल ही गई हूँ। हाइलाइटर ब्रश मुझे ना अक्सर लोग, मेरी फ्रेंड्स मुझे सब कहती हैं पार्लर में ना जो लड़कियाँ होती हैं ना, मैं जब उनके उनके पास जाऊँ ना कभी कभी रेडी होकर अपनी लैशेस लगवाने, बिकॉज मुझे लैशेस लगाने नहीं आती, वो मुझसे अक्सर पूछती हैं रुकमा तुम कौन सा हाइलाइटर यूज़ करती हो, किस ब्रांड का यूज़ करती हो। तो मोस्टली मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ ना, मोस्टली प्रोडक्ट्स आई यूज़ फ्राम वो होते हैं मिस रोज़ के वो प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर, ये भी मिस रोज़ का ही है। अब ये उसके ऊपर से रिमूव हो गया, आई थिंक यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा रिमूव हो गया हुआ। इसका शेड नंबर पता नहीं क्या है, इसका शेड नंबर भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, क्या लिखा है मुझे पता नहीं किधर है। तो मैं क्या करती हूँ, हाइलाइटर लगाने का भी ना एक ट्रिक है, लोग जस्ट कॉलर पर ना वो जान छिड़वाती हैं अपनी, जस्ट लगा के फेस पे पेंट कर देती हैं यूँ यूँ और छोड़ देती हैं, कोई उनको ब्लेंड नहीं करना था कुछ भी नहीं, लाइक दिल से तो कुछ भी नहीं करती हैं। आई थिंक मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद पार्लर का मेकअप, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, तो फिर आपने एक ब्रश लेना है, उसके बाद अगर आपके पास हाइलाइटर ब्रश है तो वेरी गुड, बट अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, इस टाइप का या कोई भी इस तरह का ब्रश लेना, ये वाला भी चल सकता है राइट। आपने एक ये बॉबी पिन लेनी है, उसको आपने ऐसे ओपन करना है और उसके इसके ऐसे इसके ऊपर लगा देना लाइक दैट, और ये बन जाएगा फैन शेप आ जाएगी राइट। अगर आपके पास ये वाली बॉबी पिन है, अगर दूसरी है तो वो भी लगा सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अपने हाइलाइटर से ऐसे पुश करना है इसको लाइक थोड़ा सा ब्रश पे लेना है और अपनी चिक्स पे लगा लेना है, और लगाना है कहाँ पे आपने, अब मैं आपको फेस पे तो बता नहीं सकती, आपने जो आपकी ये बोन होती है ना, चिक बोन होती है, वहाँ पे आपने हाइलाइटर लगाना है, मोस्टली वहाँ पे लगाते हैं। लेकिन मैं पता है क्या करती हूँ, जहाँ पे आपका ब्लशन स्टार्ट होता है ना, मैं वहाँ पे भी लगाती हूँ लाइक चिक्स के ऊपर स्माइल करके, तब इतना अच्छा ग्लो आती है ना, लाइक ऐसा लगता है जैसे नेचुरली ग्लो है आपकी चिक्स पे। तो इसलिए मुझसे मेरी फ्रेंड्स भी पूछती हैं कि मतलब जो पार्लर में मेरी फ्रेंड्स हैं ना, वो भी पूछती हैं कि तुम कौन से ब्रांड के करती हो, कैसे यूज़ करती हो। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेंड करती हूँ उसे, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, आई थिंक 2 or 5 minutes तो मैं उसे ब्लेंड ही करती रहती हूँ। मेरी ना फ्रेंड्स ने मुझसे मेकअप करवाया तो वो भी ना बहुत हैरान होती थी कि यार तुम इतनी ब्लेंडिंग करती हो, बेस की भी इतनी ब्लेंडिंग करती हो और हाइलाइटर की भी इतनी ब्लेंडिंग करती हो। ब्लेंड करने से ही आपका फेस जो है ना ग्लो करता है, आपकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स तो मैटर, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी भी ब्रांड की, मुझे नहीं लगता कि आपको जस्ट कोई ब्रांड हो तो ही आपका मेकअप अच्छा होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ब्रांडेड मेकअप होता है लेकिन उनका मेकअप जो है ना सत्यानाश हुआ होता है, उनके मेकअप का कोई भी अच्छा नहीं लगता। और अगर और कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनके पास जस्ट लोकल मार्केट का मेकअप होता है, लोकल ब्रांड्स का, और उनका मेकअप इतना अच्छा ग्लैमरस लग रहा होता है ना कि आई कॉन्ट एक्सप्लेन। तो मैटर नहीं करता आपके पास किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू, जस्ट आपको ब्लेंडिंग आना चाहिए, ब्लेंडिंग से ही सारा मेकअप आपका होता है इतना। और ब्लेंडिंग में हाथ आपने बिल्कुल पोलाइट रखना है, बिल्कुल पोलाइट, ये नहीं कि यूँ 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 आप रगड़ रहे हो अपनी स्किन पे, जस्ट लाइट सा आपने हार्डनेस फील करवानी नहीं अपने फेस को, ठीक है, जस्ट लाइट ब्लेंड 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 ब्लेंड। मैं तो 10 दफ़ा काउंट करती हूँ, 10 times काउंट करती हूँ, फिर जाके अपना मेरा जो ना मेकअप होता है, किसी दिन मैं आपको अपनी कज़न के फेस पर करके दिखाऊँगी वेरी सून। सो हाइलाइटेड भी हो गया, उसके बाद बारी आती है मस्कारा की। मस्कारा ये है लोरियल पेरिस का। अच्छा, तो ये वाला मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ, इसका एक साइड फाइबर है, एक साइड इसकी फाइबर है और एक साइड जो है ना लैशेज लॉन्ग करने वाला है। तो फाइबर जो है ना इसका ड्राई हो गया हुआ है अब तो, लेकिन ये कि इतना मुझे अभी भी हेल्प करता है ये, आई थिंक नहीं ये वाला, आई थिंक ये मस्कारा वाला, हाँ फाइबर इसका ड्राई हो गया हुआ, लेकिन ये कि फिर भी मुझे हेल्प करता है, ये जो मेरी आई की अंदर वाली चीज़ होती है ना आई लाइन, वो ब्लैक करने में हेल्प करता है। और हाँ ये वाला दूसरा, एक ही दफ़ा इसको लगाने में ना आपकी लैशेस लॉन्ग हो जाती है। अच्छा यार, कुछ लड़कियों को मस्कारा लगाना भी नहीं आता, आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ ना मैं प्रोफेशनल हूँ, तो कुछ लड़कियों का ना मस्कारा लगाना नहीं आता, वो पता क्या करती है, मेरे हाथ पे लग गया, वो पता क्या करती हैं, दे आर जस्ट अपने लैशेस पे मस्कारा लगा लेती हैं और जो आपकी आई लाइन होती है ना लाइक जो आपकी अंदर वाली आई लाइन होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाती, वहाँ पे जस्ट ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देती हैं, खाली छोड़ देती हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल आपकी आँखें अट्रैक्टिव नहीं लगती, आपको
आपकी आंखें एक तो अट्रैक्टिव नहीं लगती, सेकेंडली आपकी आईज़ जो है ना वो हाली हाली लगती हैं, कोई भी उसमें लाइक अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन जब आप अपनी आईलेट के अंदर लगाते हैं ना, आप पता नहीं उसे आईलेट कहते हैं या आई लाइन कहते हैं, जो भी है, मैं तो उसे आईलेट लाइन जो भी हो कह लेती हूँ, उसके अंदर जब आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा, अगर आप जब उसके अंदर से मस्कारा लगाना स्टार्ट करेंगे ना, आपकी आँखें अट्रैक्टिव लगेंगी, ठीक है, आपकी आँखों में कुदरती अट्रैक्शन पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और उसके बाद जो मैं आईलाइनर यूज़ करती हूँ वो भी मिस रोज़ का है। उसके बाद ये मुझे ना खुद भी विंग्ड आईलाइनर मुझे खुद लगाना आता है, आई एम वेरी एक्सपर्ट, मैं उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। लेकिन ये इस दफ़ा मैंने ये वाला ये मार्कर वाला ले लिया जिसके पीछे ये साइन बना होता है, आपने जस्ट यूँ ऐसे अपनी आई के कॉर्नर पर लगाना है लाइक दैट। ऐसे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी खुली खुली आँख लगेगी, या ऐसे लगाएंगे तो आपकी आईज थोड़ी टाइट लगेगी, लाइक घुटी हुई जिसे कहते हैं ना, घुटी हुई आँख वैसे लगेगी। तो आपने हमेशा ऐसे लगाना है ताकि आपकी आँख अच्छी लगे। और फिर उसके बाद आपने जो इसका पेन है उसके साथ यूँ ऐसे लाइन की, यूँ ऐसे लाइन क्रिएट कर लेनी है, राइट। आपने जो ना मार्कर जो बिगनर्स है ना उनके लिए मैं बता रही हूँ, अगेन खुल जाओ, ये जो चीज़ है ना आपने यूँ इस शेप में लेके आनी है, इस शेप में नहीं लानी, इस शेप में लाएंगे तो आपकी ख़राब हो जाएगी, इस शेप में लाएंगे तो ठीक हो जाएगी। तो फिर आपने एक लाइन क्रिएट कर देनी है बिल्कुल बारीक सी, तो फिर आपका लाइनर बहुत अच्छा लग जाएगा। और उसके बाद ये जो आप शाइनर देख रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस है ये, ये जब मैं ये आउटलाइन लगाती हूँ ना कभी कभी समटाइम्स जब मुझे थोड़ी ग्लॉसी लुक चाहिए हो, तो फिर मैं ये लाइट सा जो है ना थोड़ा सा इसका जो है ना ऐसे टच दे देती हूँ, और वो फिर शाइनी शाइनी फील होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और ये जो ब्रश देख रहे हैं ना, मुझे ऑलरेडी मेरी कज़न पूछ रही है कि आप ये किस लिए आप यूज़ करते हैं, तो ये आईब्रो के लिए है, आईब्रो के लिए कट वाला जिसकी इस शेप में हो ना, ये वाली यूज़ करते हैं, तो आप लोग ये अपने आईब्रोज पे लगा सकते हैं। अच्छा वो ना लास्ट वीडियो में इसका मैं ब्रश का दिखा नहीं सकती, देखिए किस तरह की शेप है इस ब्रश की, आप शायद नज़र आ रहा हो, ब्लैक ब्लैक और पिंक है ना, तो कलर नज़र नहीं आ रहा, ये यू ऐसी शेप में आया हुआ, लाइक इस शेप में कट, तिरछा जिसे कहते हैं ना, तिरछा उस शेप में है, तो ये आप आईब्रोज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये था मेरा रेगुलर मेकअप, बताने में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया प्रोसेस, लेकिन ये करने में जस्ट मुझे यू 5 मिनट्स लगते हैं, मेरा मेकअप हो जाता है। सो एनीवेज आई होप अलम क्या कह रही थी मैं, मुझे भूल गया क्या कहने लगी थी, एनीवेज जो भी है हमारा मेकअप होता है आज यहाँ पे ख़त्म। जो बाकी का वेडिंग मेकअप है या कोई और चीज़ों का भी होगा तो वो मैं आपको बाकी वीडियो में बाद में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप सो गाइस कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हुआ हो, तो लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक किया करें, मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें, आलिया नेम 2 के नाम से मेरी आईडी है, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। और यार मुझे प्लीज़ कमेंट्स में रिकमेंड किया करें कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं, किस टाइप का लाइक मुझे सजेशन दिया करें ना आप लोग कि मैं किस टाइप का किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, सो मैं उसी तरह करूंगी, जस्ट मुझे बताया करें। और टिकटॉक पे भी कमेंट किया करें कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं। तो आज ही हमारा हुआ रेगुलर मेकअप यहाँ पे ख़त्म, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा फैंसी लुक मेकअप दिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे वेडिंग मेकअप। सो दिस वॉज द वीडियो एंड आई होप सो गाइस कि आपको व्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मस्ट लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।